दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम उन पांच अभिनेत्रियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें फिल्म के सेट पर डायरेक्टर से हो गया था प्यार। नंबर दो थी सुपरस्टार। नंबर एक रामिया कृष्ण। फिल्म बाहुबली के अंदर शिवगामी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री रामिया, जिनको फिल्म बाहुबली से बेहद जबरदस्त सफलता प्राप्त हुई। बता दें कि अभिनेत्री रामिया कृष्ण, जिनके साथ 1988 के अंदर एक तेलुगु फिल्म चंद्रलेखा रिलीज हुई थी। बता दें कि फिल्म की शूटिंग के दौरान ही रामिया कृष्ण की फिल्म के डायरेक्टर किशन वामसी से प्यार हो गया था और बाद में इन दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली। नंबर दो श्रीदेवी। बॉलीवुड की सबसे पहली महिला सुपरस्टार अभिनेत्री श्रीदेवी और फिल्म डायरेक्टर बोनी कपूर की प्रेम कहानी के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। बता दें कि श्रीदेवी और फिल्म डायरेक्टर बोनी कपूर की प्रेम कहानी फिल्म मिस्टर इंडिया के सेट पर शुरू हुई थी। इस फिल्म के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई और बाद में ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे और इन दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली। हालांकि अभिनेत्री श्रीदेवी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें दिलों में हमेशा हमेशा के लिए बसी रहेंगी। नंबर तीन रानी मुखर्जी। इस सूची के अंदर बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक और खूबसूरत अभिनेत्री में से एक रानी मुखर्जी का नाम भी शामिल है। बता दें कि रानी मुखर्जी ने आदित्य चोपड़ा की किसी फिल्म के अंदर तो काम नहीं किया, लेकिन उनके बैनर के तले बनी फिल्मों में काम जरूर किया और इसी दौरान इन दोनों की एक दूसरे से नजदीकियां बढ़ी और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे और बाद में इन दोनों ने शादी कर ली। नंबर चार कल्कि कोचलिन। कल्कि भी बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री है। बता दें कि कल्कि भी फिल्म के सेट पर डायरेक्टर अनुराग कश्यप को अपना दिल दे बैठी थी और इन दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली। इन दोनों की ये शादी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई और ये दोनों एक दूसरे से जल्दी अलग हो गए थे। नंबर पाँच सोनाली बेंद्रे। खूबसूरत अभिनेत्री में से एक है। सोनाली बेंद्रे का नाम भी सूची में शामिल है। बता दें कि हाल ही में अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो गई है, जिसका खुलासा खुद सोनाली बेंद्रे ने किया था। बता दें कि सोनाली बेंद्रे को भी फिल्म के डायरेक्टर गोल्डी बहल से फिल्म अंगारे के दौरान प्यार हो गया था और बाद में इन दोनों ने भी अपने प्यार को शादी में तब्दील कर लिया था। दोस्तों बॉलीवुड से जुड़ी सभी अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।